लड़की की मौत हो गई थी, तो उसी लड़की की मौत होने के बाद में शेड्यूल कास्ट की एक लड़की थी उसी को लेकर इन लोगों ने जाम किया, और अभी जब हम आए उसके पहले ही थाना पर अटैक करके आगे भी लगा दिया था, कुछ हमारे कर्मी घायल भी हुए। फिर भी पुलिसकर्मियों ने काफ़ी थाना के पुलिसकर्मियों ने बड़ी धैर्य से परिचय दिया, और धैर्य के कारण ही हुआ कि कम से कम पब्लिक में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, जबकि काफ़ी इन लोगों ने स्थिति भयावह कर दिया था। यहाँ पर जाम में हम आए, जाम में इन लोगों ने जो जो मांग रखा हमसे, ये लड़की के साथ जायदादी हुई है, इसको मर्डर करके फेंका गया, चाहे जो भी कुछ हुआ, हमने बोला कि ठीक है प्रथम दृष्टि आप जो को केस करनी है केस करनी, जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी, और जो मुआवजा हुआ जाएगा सवाल है, जो उचित माध्यम है उसके तरह तहत हम लोग जो भी कार्रवाई हुई आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। तो उसके तहत भी अभी बातचीत चल रही है, इसी के लेकर ये ध्यान रखा है। थाने में भी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई थी? हाँ, थाने में वही बोल रहे हैं, थाने में इन लोगों ने जो गाड़ी में आग लगा दिया है, चाहे थाना में आग लगा दिया या हमारे पुलिसकर्मियों को इन्होंने घायल किया, फिर भी पुलिसकर्मियों ने अपने घर के परिचय दिया है, और इसमें बहुत ही अच्छा से काम किया है, जिसके चलते पुलिस को भले चोट लगी लेकिन पब्लिक को कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, चूँकि आम जनता मृत्यु लगा पुलिस 2500 की संख्या थी, इसी में कुछ उत्पात करने वाले लोगों ने ऐसा किया। अभी स्थिति पूरी तरह क्या है? अभी तो नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है और बात चल रही है, सब ठीक ठाक। किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? तो अभी दो तीन हुई है गिरफ्तारी, उसके भी छानबीन की जा रही है, उसमें कौन कौन थे। उसी समय जो प्रथम दृष्टिया हम लोग पहुँचे तो जो थाने वाले पर थे वो लोग खड़े थे, बाहर से आग लगाने वाले लोग भी हुए थे, तो इसी में जो दो चार पाँच गिरफ्तारियाँ हुई है उसके भी छानबीन की। पैसा निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए इसके हाथ से आधार कार्ड ले लिया और पासबुक ले लिया, लेने के बाद जो है इसे क्या बोलते हैं जो अंगूठा लगाता है वो लगाने के बाद जो है इसको 10 दिन से घुरा रहा था, बोलता है आज लिंक फेल है नहीं मिलेगा, तो ऐसे ऐसे कोई बहाना से, और अशब्द शब्द भी बोलता था इसको बोल करके, फिर जो है ये बोली कि अगर तुम नहीं दोगे है हम एफआईआर करेंगे, ये बोला चमार की लड़की की इतनी ताकत कि तुम एफआईआर करोगी, ये बच्ची ने जा करके एफआईआर की, एफआईआर करने के बाद रामगढ़ थाना का पुलिस गया, पुलिस जाने के बाद बड़ौरा में एक जो है आपका उसको लेकर के थाना में वहाँ गया, उसके बाद वो दरखास्त लिखी है वो लेकर के आओ, वो अपने मोटरसाइकिल से बैठा करके लेकर के आया है, लेकर के आने के बाद यहाँ जो है पेक ले जाने के बाद इसको माथा में मारा है, माथा फट गया, उसके बाद इसकी बाहें तोड़ दी गई है, उसके बाद इसको चाकू मारा गया है, मार करके और ले गया है रेलवे स्टेशन के पास में। जब हमने बच्ची यहाँ रोक करके हमसे कही कि ऐसे बात है, हम बोला ठीक है, हमको क्यों नहीं तुम बोली, हमको क्यों नहीं बोली तुम, ऐसा नहीं रहो, बोला कि गांव के चलते थोड़ा माँ और भाई ने बोला, थोड़ा माँ और भाई बोले कि गांव का मैटर था, 2000-4000 रुपया नहीं देगा। अब वहाँ जाने के बाद हम फोन किए इसको, तो फोन वो लोग उठाया, वो लोग बोलता है कि हम आरपीएफ रेलवे पुलिस बोल रहे हैं, हम बोला क्या हुआ ऐसे, वो लोग बोलता है कि ट्रेन आ रही थी बच्ची कूदने के लिए गई, हम लोग बचा लिए, हम लोग उसको चोट लगा बोला हाँ कमर में लगा चेस्ट में चोट लगा, हम बोला उससे बात कराओ, बोला बात नहीं करेगी बेहोशी हालत में है। उसके बाद दोबारा फिर हम फोन लगाने लगे, फोन काट दिया, काटने के बाद मोहनिया कौन अस्पताल है लड़की, फिर वहां से ट्रांसफर हो गया बनारस, बनारस जाने के बाद जो है तो आप इनके कौन लगते हैं? हम इसका पिताजी फादर। मांग थी हमारी मुख्य रूप से जो मांगे हैं, जो लड़की मरी है उसके परिजनों को जो है
उचित मुआवजा दिया जाए, यानी 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और कृषि उपजाऊ जमीन 2 एकड़ दिया जाए और जो भी इसका दोषी है उसे तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजाए की धारा लगाया जाए और कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर पूरी की जाए और मृतक के परिजनों एक परिजन को सरकारी नौकरी दिया जाए। कैसे घटना घटी थी ये घटना जो है रंजिश के वजह से हुई है, पारिवारिक रंजिश और कुछ पुरानी रंजिश की वजह से जानबूझ करके ये घटना दिया गया है। मतलब क्या मानते हैं घटना कैसे हुआ, मानते क्या, मतलब परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? परिवार वालों का आरोप ये है कि वो जो है पुरानी रंजिश को लेके लड़की स्कूल जा रही थी और उसको किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ जो है निर्मम हत्या किया गया है और बाकी जो भी जांच पड़ताल में सामने आएगा वो आएगा, लेकिन उसको जो है बीच रास्ते से अगवा करके निर्मम हत्या किया गया। रेप की भी बात थी क्या बच्ची? ये चीज़ें तो अभी सामने नहीं आई है। अच्छा, तो सर के द्वारा आश्वासन जो दिया गया था अभी पब्लिक मान गई है? पब्लिक तो मान रही है लेकिन आश्वासन में कोई ठोस कोई जो है जान नहीं दिख रहा है। जो आप लोग की मांग थी वो तो माननीय डीएसपी साहब ने कहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करेंगे वो कानूनी तौर पे, लेकिन हम जो है डीएम साहब से मांग करना चाह रहे हैं कुछ, इसलिए जो है जनता आप डीएम साहब को यहाँ बुलाना चाहते हैं? जी हाँ, हम डीएम साहब को यहाँ बुलाना चाहते हैं, अपनी मांग को रखना चाहते हैं डीएम साहब के सामने।